ना सब्जी ना घुगनी ना चाट, आज हम काले चने के सिर्फ 10 मिनट में बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, हेल्दी और चटपटा सा नाश्ता बनाएंगे। हेलो दोस्तों, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है। प्याज को यहाँ मैंने अच्छे से छील के धो लिया है और अब हम इसे 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे और इसे इस तरीके से बिल्कुल बारीक काट लेंगे, जिससे हमारा रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें काले चने डालेंगे। यहाँ मैंने चने को 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये अंकुरित हो गए। और अब हम इसमें बारीक कटे हुए 2 प्याज डालेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह पे बारीक कटे हुए पत्ता गोभी या कद्दूकस किए हुए आलू भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें 1 से 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। बच्चों के लिए बना रहे तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। और फ्लेवर के लिए और डाइजेशन के लिए हम इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे। स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। और अच्छा सा कलर के लिए हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर की जगह आप काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें नमक डाला था जिससे प्याज और चने पानी छोड़ेगा, तो इसलिए हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये काले चने की रेसिपी इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि आप इसे झटपट से मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपके मेहमान आने वाले हो या बच्चों को लंच देना हो हेल्दी सा, तो इस रेसिपी को आप घर पे जरूर बनाएं। और अब हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन आपका मोटा हो या पतला किसी भी तरीके का चलेगा। और बेसन डालकर हम इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। और आप देख सकते हैं चने और प्याज में बेसन अच्छे से लिपट गया है। हम इसमें 2 चम्मच और बेसन डालेंगे और फिर से हम एक बार चम्मच से अच्छे से इन सभी को मिला लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच पानी डाला है। पानी डालकर हम इसे एक बार फिर से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। हमें इसका एक थिक बैटर बना लेना है। और अब हम इसमें 7 से 8 कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसका फ्लेवर बिल्कुल आपको दाल बड़ी की तरह लगेगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे फिर से अच्छे से चलाते हुए कड़ी पत्ते को भी मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और फिर से एक बार अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ये डालें जिससे बैटर हमारा एकदम थिक और गाढ़ा इसका हम एक बैटर बना लेंगे। और आप देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार है। और अब हम गीले हाथों से बैटर लेंगे। बैटर को इस तरीके से गोल घुमाते हुए हम इसे दाल बड़ा या पकौड़े का शेप देंगे। और आप देख सकते हैं चने का बड़ा हमारा बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसे ऑयल में डालेंगे। यहाँ मैंने ऑयल को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे गरम होने के लिए रख दिया था। और अब हम इसमें इस तरीके से चने के वड़े डालेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। और 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम सारे चने के वड़े डालेंगे। सारे वड़े को डालते हुए फ्राई होने देंगे। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे वड़े को फ्राई होने के लिए रख दिया है। और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए एक तरफ से फ्राई कर लेंगे। चने का वड़ा फ्राई हो गया एक तरफ से। हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। इस तरीके से अगर आप चने का वड़ा बनाएंगे तो ये खाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होगा और बनाना भी आसान होगा। काले चने की चाट, घुगनी और सब्जी तो आपने कई बार खाई होगा। एक बार इस तरीके से काले चने की वड़ा बनाइए, आपके साथ आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और आप देख सकते हैं चने का वड़ा हमारा दोनों तरफ से सुनहरा गोल्डन कलर का फ्राई हो गया है। हम इसे दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन क्रिस्पी कलर आने तक फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने से चने का वड़ा अंदर तक सिकेगा और चने भी अच्छे से पक के क्रिस्पी हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं हमारे चने का पकौड़ा या वड़ा बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। और ये देखिए, बड़ा हमारा बिल्कुल क्रिस्पी और करारा बनके तैयार हुआ है। और अब हम इसे चलिए प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने इसे डीप ऑयल में फ्राई किया। आप चाहे तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। और इस तरीके का बड़ा बनाइए, बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी है। और चलिए अब हम वड़ा को प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और आप इसे इस तरीके से सॉस,
चटनी, केचप किसी के भी साथ खाए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और इस बारिश के मौसम में इस तरीके का एकदम न्यू और टेस्टी यूनिक पकौड़ा बनाएं। घर में बच्चे हो या बड़े हो या आपके मेहमान आने वाले हो, सभी को बहुत पसंद आएगा और सभी आपकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। और ये खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी है बनाना उतना ही ज़्यादा आसान है। तो जब भी आपको कुछ यूनिक और अलग सा बनाना हो तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें। और चलिए मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए रेसिपी में।